एमएनसी जॉब छोड़ के मैं नाली साफ करना चाहता हूँ। आप तालाबों को, जोहड़ को साफ करें जिनकी कंडीशन किसी नाले से अच्छी नहीं है। अभी तक हम सैकड़ों तालाबों पे काम कर चुके हैं, उनको पुनर्जीवित कर चुके हैं। मेरा नाम रामवीर तंवर है और आप मुझे पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं। अभी हम 6 राज्यों में एक साथ 20 से ज़्यादा तालाबों को साफ कर रहे हैं। वो तालाब जो गंदे हो चुके हैं, वो तालाब जिनमें आप नहाना पसंद नहीं करेंगे, देखना भी पसंद नहीं करेंगे उनकी तरफ, लेकिन आप कुछ दिन में उन तालाबों को अच्छा देखेंगे। और अभी तक हम 10 से ज़्यादा टेटॉक दे चुके हैं, 500 से ज़्यादा जल चौपाल हम कंडक्ट कर चुके हैं स्कूलों में, गाँव में, और इसके लिए काफ़ी हमें नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इसके लिए हमें मिले हैं। और एक हमारी अच्छी टीम है, सैकड़ों वॉलेंटियर्स हैं और 18 लोग हमारी पूरी टीम है। अभी तक हम सैकड़ों तालाबों पे काम कर चुके हैं, उनको पुनर्जीवित कर चुके हैं। जिस काम को छोटा काम कहा जाता है, उसने सच में मुझे बड़ा बना दिया। सोशल मीडिया ने इस काम को बहुत आसान बनाया है, स्पेशली लोगों से और कॉरपोरेट से, सरकार से कनेक्ट करने में। क्योंकि आज लिंक्डइन है, मेरा बहुत सारा जो मदद आती है, बहुत सारे जो लोग जुटते हैं वो लिंक्डइन की वजह से जुटते हैं। कुछ यंगस्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम की वजह से जुड़ते हैं, कुछ फेसबुक की वजह से जुड़ते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्विटर की वजह से जुड़ते हैं। कोई इरादा तो नहीं था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पॉन्ड मैन बनना है, बट ये नाम तो सोसाइटी ने, यार दोस्तों ने, और यूँ कहूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी, वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुड़ गए। और इसके पीछे की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं मेरा बचपन है, क्योंकि बचपन में सुंदर तालाब देखे हैं, जिन तालाबों में हमने खूब उछल कूद की है ना, दूर से दौड़ लगा के छलांग लगाई है। बट वो तालाब आज, छलांग लगाना तो दूर, आज उसमें अगर हाथ भी लगाएं तो शायद इन्फेक्शन हो सकता है हाथ में। तो उन तालाबों की इस तरह की दशा देखकर मन में पीड़ा हुई और ये निर्णय लिया कि तालाबों के लिए भी कुछ करना है। मैं विचार करता था डेली या तो जॉब छोड़ूं या फिर ये काम छोड़ूं, क्योंकि बीच में मैं फंसा हुआ था। तो फिर जो उसमें मैंने एक दिन निर्णय ले लिया तो मैंने अपना वो जॉब छोड़ दिया। 85 तालाब हमने किए हैं, आप एक सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है हमारी। पहला तालाब तो दरअसल मेरे गांव के पास ही था, वो उस समय पे हमने उसको पूरी तरह से साफ नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, फंडिंग भी नहीं थी, बट ले था कि कुछ हम पैशनेट लोग थे, ग्रुप था, तो हमने उसका सिर्फ क्लीन ड्राइव करते थे। तालाब के चारों तरफ की जो गंदगी है उसको हम साफ करते थे, बिना किसी मशीनरी के, बिना किसी फंड के। और वहाँ से हमें जब बिफ़ोर आफ्टर की हमने वो फ़ोटो निकाली और उसको कंपेयर किया कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और हमारी टीम अचानक से फिर वो बढ़ने लगी। तो उसके बाद से हमें लगा कि हम और भी तालाब कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी पता चला कि तालाब में जितनी गंदगी बाहर है शायद उससे ज़्यादा उसके अंदर टिकी हुई है, उसका जो बेस है, उसका जो धरातल है, उस पर ज़्यादा गंदगी टिकी हुई है, तो इससे ज़्यादा साफ करना उसको ज़रूरी है। शुरू में जो चैलेंज था वो था कि एक टीम का, हमारे पास एक मजबूत टीम भी नहीं थी, लेकिन आज मजबूत टीम है हमारे पास। शुरू में चैलेंज था फाइनेंशियल सपोर्ट का, क्योंकि कोई हमें नहीं जानता था, हम किसी को नहीं जानते थे, एक ट्रस्ट नहीं था, एक क्रेडिबिलिटी नहीं थी हमारी। लेकिन अभी धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ना शुरू हुई है, अभी हमें फंडिंग सपोर्ट आसानी से मिल जाती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो वो फाइनेंशियल जो
चैलेंज था वो हमारे सामने कुछ कम हुआ है, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों को विश्वास दिलाना कि हाँ हम ये कर सकते हैं, वो एक विश्वास डेवलप होना शुरू हुआ है। लोगों को अप्रोच करने का हमारे दो तरीके हैं। एक है जल चौपाल। जल चौपाल में हम लोगों से बात करते हैं, उनके गांव में जाके मीटिंग करते हैं, पूरी पंचायत को हम समझाते हैं कि तालाबों की एक्चुअली इम्पोर्टेंस है क्या, किस तरह से ये तालाब हमारे अगर मर गए तो हमें क्या भुगतना पड़ सकता है भविष्य को, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को क्या भुगतना पड़ सकता है इनकी वजह से। तो लोग हमें इस तरह से कनेक्ट करते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे भी हमारे कुछ कैंपेन्स हैं। हमारा एक कैंपेन है हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। तो उस कैंपेन में हम यंगस्टर्स को स्पेशली अप्रोच करते हैं कि वो तालाबों के साथ सेल्फी लें और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करें। बहुत सारे हम टॉक्स जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में करते हैं ताकि लोगों को जो है एक कनेक्शन हो और एक कम्युनिटी डेवलप हो हमारी इस तरह की। हमारा इनिशिएटिव है जलाशय जोड़ो अभियान। तो उसमें हम जाके जलाशयों की बात करते हैं, तालाबों के बारे में कि वहाँ पे इस तरह का एक सुंदर तालाब है, यहाँ पे भी वो हो सकता है, या जो देश के अच्छे अच्छे तालाब हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं। तो इस तरह के हमारे कैंपेन्स हैं जिनकी मदद से हम लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ।